हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोदरेज शिकाकाई का रिव्यू। तो इसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग वैसे तो जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। काफ़ी टाइम पहले मैं भी इसे इस्तेमाल करती थी, तो आज मैं आपके साथ वही सब शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये साबुन कैसा लगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये साबुन कैसा है, कैसे वर्क करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पैकेजिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पैकेजिंग इसकी अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, और ये ना कई सालों से है इंडियन मार्केट में। तो ये है गोदरेज शिकाकाई विथ आमला प्लस कंडीशनिंग 3-in-1। इसमें है शिकाकाई, आमला और ब्रिंगराज। तो पैकेजिंग इसकी नॉर्मल सी पेपर पैकेजिंग है। और प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 20 रुपीज़ का है ये। 75 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन की गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साबुन, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आना शुरू हो जाती है। फ्रेग्रेंस मुझे इस साबुन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि साबुन क्लेम करता है कि इसमें शिकाकाई है, आमला है और ब्रिंगराज है। जो शिकाकाई है वो एक नेचुरल क्लेंजर है जो हमारी स्काल्प को हेल्दी और क्लीन बनाता है। आमला है जो एक नेचुरल शाइन ऐड करता है, और साथ ही साथ बालों को कंडीशन करता है जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। और ब्रिंगराज हमारे बालों को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। ये सब कुछ ये क्लेम करता है। और इसे अप्लाई करने का तरीका तो बिल्कुल आसान है, आप अपने बालों को पहले गीला कर लें और इस साबुन को आप अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं और अच्छी तरह से लेदर होने दें, 1 से 2 मिनट तक रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। और जैसे कि आप में इसे सभी जानते होंगे कि जो ग्रेड 1 साबुन होता है वो अच्छा होता है, और साबुन का TFM हमेशा 76% से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम इस साबुन का TFM देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड ग्रेड साबुन है और इसका TFM है 70%। तो ग्रेड के हिसाब से ये ठीक ठाक साबुन है, सेकेंड ग्रेड है, तो आप ट्राई कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। 70 है वैसे इसका TFM, तो इतना भी लो नहीं है इसका TFM, तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये सूट करता है तो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको लोकल स्टोर्स में आराम से मिल जाएगा। ये आपके बालों को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देता है, और आपका जो स्कैल्प है वो भी इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल नेचुरली शाइन करने लगते हैं, और इसके कंटिन्यू इस्तेमाल से आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मुझे तो ये साबुन काफ़ी पसंद आया, अच्छा है। पर इसका एक ड्रॉबैक यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हो तो ये आपके बालों से ऑयल को उतनी अच्छी तरह से नहीं निकाल पाता जितनी अच्छी तरह से शैम्पू वर्क करता है। पर शैम्पू की तरह ये आपके बालों को ड्राई आउट नहीं करेगा, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, और इसमें ना पैराबेंस वगैरह भी नहीं है। ये बात मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। और ग्रेड के हिसाब से भी ठीक ठाक साबुन है, इतना ज़्यादा भी लो नहीं है इसका TFM, 70% है, तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बालों को आप डैमेज वगैरह नहीं करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरह के कोई सल्फेट वाले शैम्पूज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और इससे बाल वॉश करने के बाद ना बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये साबुन सूट नहीं करता, इससे बाल धोने के बाद ना उनके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और बिल्कुल उलझ जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा, पर अगर आपको ये सूट करता है तो आप इसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को वैसे ये सूट नहीं करता, पर जिनको ये सूट कर जाता है उनके बालों पर ये सच में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 3 से 4 दिन तक तो आराम से आपके बालों से खुशबू आती ही रहती है, एक अलग ही फ्रेग्रेंस है इसकी। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये ना साबुन ज़्यादा घुलता नहीं है, इतना साबुन आपको काफ़ी टाइम तक चल भी जाएगा। तो अगर आपको ये सूट करता है तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।